सिद्धार्थनगर जनपद में तेज हवा के झोंके के साथ आग इस कदर बढ़ रही है कि बांसी तहसील क्षेत्र के खेसरहा ब्लॉक के ग्राम कोटिया में दर्जनों से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग लगते ही गांव के ग्रामीण घर छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। वहीं घर में रखा हुआ सामान सहित मोटरसाइकिल, साइकिल, अनाज व कपड़े सहित बिजली के तार भी सब जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि आग लगने की वजह से ग्रामीणों के खाने के लाले पड़ गए। रिश्तेदार व ग्राम प्रधान द्वारा उनके खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की तो ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक कोई प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति उनकी सुध लेने नहीं आया है, जिससे गांव के ग्रामीण काफी परेशान और लाचार हैं। आग ने ग्रामीणों का अशियाना जलाकर राख कर दिया और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई जिम्मेदार आए उनके खाने और पहनने की व्यवस्था कराए। तो ये क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले हो, ये आग कैसे लगी है, कितना नुकसान हुआ है? मेरा नाम आकाश है, मैं ग्राम कोटिया का रहने वाला। यहाँ का जो है लगभग 26-27 घर जल गया है। 26-27 घर जलने के बाद कई लोगों का अनाज जो है वो पूरा जल गया है। कई लोगों का भूसा था घर में रखा हुआ, वो भी जल गया है। यानी बहुत सारे भूसा, घर, पेड़ पौधे पूरा जल गए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की कुछ नहीं व्यवस्था है, जो इधर रिश्तेदार की तरफ से कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत। प्रशासन के कुछ नहीं मदद मिला हम लोगों को, जो प्रशासन से कुछ अभी मदद मिला नहीं है। आप ये बताइए आपका नाम क्या है, ये कौन सा गांव है, कैसे आग लगी है? मेरा अनिल कुमार नाम है, ये कोटिया देवर गाँव है, सिद्धार्थ नगर तहसील बांसी में पड़ता है। हैं सर, वहाँ आगे से जो है मालूम है आग के गेहूँ का जो कटा हुआ था उससे आगे से दूर से जलता हुआ आया, लेकिन आधी इतना तेज था कि कोई कुछ नहीं कर पाया। सब अपने बच्चों को लेके किसी तरह जान बचा लिए हैं। 25-26-30 घर के आसपास में पूरा गांव जल गया, आधा गांव जल गया पूरा। हैं मेरे खुद नई गाड़ी अभी साल भर हुआ था लेके, 3 महीना केवल चलाया था, हैं वो भी मेरा जल के निकल। कितनी गाड़ियाँ जली हैं? 3 गाड़ी जल चुका है। हैं और प्लस सब घर में पूरा अनाज गेहूँ ये देख ले, इधर भी जल गया, उधर मेरा घर है। हैं सब कुछ जल के पूरा राख हो गया। खान जो आदमी कपड़ा पहना था बस वही भर बचा है और कुछ भी नहीं बचा। शासन प्रशासन का कोई आया आपके पास हाल चाल लेने? शासन विधायक उधायक सब जनी आए थे तहसील डीएम, बोले 24 घंटे में उपलब्ध होगा, लेकिन अभी तक भैया कुछ नहीं हुआ, कोई फिर दोबारा आया नहीं। तो कैसे आप खा पी रहे हैं, क्या कर खा पी रहे हैं? बस ये रिश्तेदार लोग जो आ गए दे गए और प्रधान जी कुछ हेल्प कर दिए, बस उतना ही चल रहा है।